तो जी राम राम, नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त रोहित लांबा, और जी उम्मीद आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। भाई, आपको पता है कि दो दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला था अमित सैनी का लाइव, और जिसमें स्ट्राइक के बारे में बात थी कि स्ट्राइक दी थी उन्होंने, और काफ़ी चैनल पर जो सॉन्ग लीक कर रहे थे उन लोगों को उनकी कंपनी के द्वारा। तो भाई, अब हमने भी उस वीडियो में रिक्वेस्ट की थी और बाकी लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे थे काफ़ी टाइम से कि एक मौका दिया जाए, स्ट्राइक हटा दी जाए, क्योंकि चैनल्स पे इफेक्ट पड़ता है बहुत ज़्यादा और ख़त्म ही हो जाते हैं चैनल। तो हमने डालने वालों के लिए बोला था कि सॉन्ग लीक ना करें, ना डालें उनके वीडियोज़, ऐसे मिसयूज़ ना करें उनके गानों का, अपडेट दें लेकिन गाने वगैरह ना डालें, क्योंकि वो उनकी मेहनत है। तो जैसा कि हमने रिक्वेस्ट की थी भाई अमित सैनी रोहतकिया से, और सब रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने स्ट्राइक हटाने का फैसला कर लिया है। अब एक से दो दिन में उनकी स्ट्राइक हट जाएगी, रिक्वेस्ट डाल दी गई है स्ट्राइक हटाने की, और उन्होंने एक नंबर भी दिया है, अगर आपके चैनल पे स्ट्राइक आई है तो साइड में स्क्रीनशॉट चल रहा है, आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि हमारे बीच स्ट्राइक आई है और स्ट्राइक हटवाने के लिए बात कर सकते हैं। तो ये एक जिंदा दिली इंसान की पहचान होती है, और बहुत ही धन्यवाद हमारी तरफ से भी कि उन्होंने समझा लोगों की भावनाओं को कि चैनल बड़ी मेहनत से उठते हैं और किसी ने मिसयूज़ कर लिया तो वो गलत बात है। तो भाई, आप आगे से मिसयूज़ ना करें, एक बार तो छोड़ दिया अमित सैनी भाई ने, और आगे से ध्यान रखें थोड़ा सा। इंस्टाग्राम के फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरा, वहाँ पे मेरे को फॉलो कर सकते हैं आप। अमित सैनी रोहतकिया भाई को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने रिक्वेस्ट सुनी आम भाइयों की, और सबकी बात सुनी पहली बार, और हर बार ही सुनते हैं वो, क्योंकि ग्राउंड लेवल के आदमी हैं, ज़ीरो से उठे हैं, उनको पता है मेहनत लगती है। तो आप लोग भी थोड़ा सा देखें कि उनके गानों को लीक ना करें, मिसयूज़ ना करें। बाकी आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया है इस पे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।